आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले हैं। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ कवर करने वाला हूँ। आज हम कवर करेंगे ई कॉमर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है फनल एनालिसिस। और मैं आपको एडवर्ड्स में बताऊंगा, इतने इजी स्टेप्स बताऊंगा। मैं कंपनीज के लिए भी काम करता हूँ, इसमें कंसल्टेशन भी देता हूँ और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आप ई कॉमर्स के डेटा को एनालाइज, मॉनिटर और उसके बाद उसको यूटिलाइज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, वो मैं आज आपको फनल्स के थ्रू बताने वाला हूँ। और बहुत इजी स्टेप है, कोई लेमेन भी देखेगा तो थ्री स्टेप्स अगर ये समझ ले और रिकमेंड कर दे कंपनी को कि पार्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन है, तो कंसिडर होंगे लोग, आपके पॉइंट्स को बाय करेंगे कि आप कुछ फैक्ट्स बता रहे हैं जो कि ई कॉमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बेसिकली कॉन्टेंट जॉब पॉइंट से कवर करता हूँ, जो ट्रेनिंग्स वगैरह भी देता हूँ, लेकिन आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर ई कॉमर्स का ला रहा हूँ, ठीक है। तो ये कन्वर्जन ट्रैकिंग से रिलेटेड होने वाला है फनल एनालिसिस जो मैं बताने वाला हूँ। तो सीधा लाइव प्रोजेक्ट पे आते हैं, आपको काम बताते हैं और सीखे आप जितना मैक्सिमम आप लर्निंग्स कर सकते हैं। तो मैं रेगुलर बेसिस में ट्राई करूंगा कुछ ना कुछ लेक्चर्स आपके लिए आजकल शेयर कर दूं, बिकॉज थोड़ा ग्लोबल कंसर्न चल रहा है कोरोना वायरस का। तो आप जितना टाइम घर में डिवोट करें, लेक्चर्स पढ़ें, तो उतना बेटर है, सेफ है आप घर में। और अवॉइड कीजिए बाहर जाना, बिकॉज कंप्लीट लॉकडाउन अभी चल रहा है, और खुद भी सेफ रहिए और दूसरों को भी सेफ रखिए, ठीक है। तो मैक्सिमम लर्निंग्स आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ डेली बेसिस पे, तो खुद भी चैलेंज कर रहा हूँ कि मैक्सिमम डेली बेसिस पे आपको लेक्चर ड्रॉप कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम जब बात कर रहे हैं जो हम फनल बना रहे हैं कॉमर्स की, तो मैं आपको पहले डेटा आपको बताना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास एक कंपनी का कैंपेन का डेटा है पूरा, और मैं अभी जिस पेज पे हूँ वो मैं हूँ टूल्स पे जाके, मैं थोड़ा और मिनिमाइज कर लेता हूँ। टूल्स में जाके अगर आप कन्वर्जन में जाते हैं, तो कन्वर्जन में जब जाते हैं तो आपके पास एक कन्वर्जन एक्शन का पूरा कंप्लीट पेज आपके पास आता है। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ, कि कंपनी ने वेबसाइट के ऊपर जो सोर्स होता है वेबसाइट, बिकॉज मैं वेबसाइट के ऊपर आपको अभी फनल सिखा रहा हूँ। कॉल्स फ्रॉम ऐड डिफरेंट है, एंड्रॉइड के लिए जो डाउनलोड्स वगैरह है वो डिफरेंट है, उसको छोड़ दीजिए, वो हमारा अलग काम चल रहा है। आज का जो टॉपिक है फनल्स के ऊपर, उससे हमें इससे लेना है, जैसे ये वेबसाइट है हमारा सोर्स और इस पर कुछ कन्वर्जन्स कंपनी को आए हैं, जो कंपनी पहले काम कर रही थी, अब मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आए, तो अब मैं कैसे कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने अपना एक कन्वर्जन के लिए परचेज के नाम से, ऑब्वियसली जो लोग ई कॉमर्स साइट पे जाके परचेज कर रहे हैं, लास्ट पेज जो आ रहा है ग्रीटिंग का आफ्टर पेमेंट, वो पेज पे मैंने वेबसाइट सोर्स रख के परचेज का मैंने कैटेगरी बनाया है खुद से, और वो टैग मैंने भी कंपनी की वेबसाइट के पेज पे ऐड ऑन कराया है। तो अभी नॉट रिसेंट कन्वर्जन आ रहा है, रेड में आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि अभी कोई भी कन्वर्जन आया नहीं है इस टैग के थ्रू, क्योंकि अभी हमारी एड्स अभी होल्ड पे हैं फॉर नेक्स्ट मंथ, जब तक ये थोड़ा इशू सॉर्ट नहीं होता। उसके बाद जैसे ही इस पे पहला कन्वर्जन आएगा, टैग ये एक्टिव होगा, तो ये रिकॉर्डिंग कन्वर्जन स्टार्ट कर देगा। मीन्स टैग एक्टिव हो गया, अभी कोई कन्वर्जन नहीं है, पहले रेड में ही होता है। आप भी बनाएंगे, डमी हो चाहे लाइव हो, स्टार्टिंग में रेड में होता है, जैसे कन्वर्जन काउंट आएगा ये आपका एक्टिव हो जाएगा रिकॉर्डिंग कन्वर्जन। अब मैं फनल थ्री स्टेप का मैंने अपने नोटपैड में लिखा था कि थ्री स्टेप करने वाले, तो आप बोलेंगे ये क्या फनल है थ्री स्टेप का। तो अब मैं वो प्रोसेस आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले जस्ट आपको दिखा रहा था। तो मैंने परचेज राहुल का एक बना रखा है कन्वर्जन, अब मैं सेकंड क्या काम करने वाला हूँ और थर्ड क्या काम करने वाला हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने प्लस कन्वर्जन करना है, वेबसाइट पे जाना है, बिकॉज मैं वेबसाइट के लिए फनल्स आपको बता रहा हूँ। कैटेगरी पे जाना है, अब मैं लूंगा ऐड टू कार्ट। अब ये देखिए गूगल ने कैटेगरीज ऐड कर दी है, अब मैंने ले लिया ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट पे जाने के बाद नेम आ गया कन्वर्जन डिफॉल्ट ऐड टू कार्ट, इसको मैं दे दूंगा नेम राहुल, ठीक है। राहुल लेने के बाद कन्वर्जन वैल्यू मैं कर देता हूँ डू नॉट असाइन अ वैल्यू थर्ड, ताकि थोड़ा प्रोसेस फास्ट हो। काउंट मुझे सारे करने जितने भी यूजर साइट पे जा रहे हैं, एक यूजर भी अगर 5-6 बार भी मेरा परचेस करता है प्रोडक्ट 5-6 टाइम्स भी, तो वो रिकॉर्ड हो, बिकॉज एवरी में सारे ट्रांजेक्शन्स वो मेरी ऐड करेगा एज अ सेल, क्योंकि थैंक यू पेज पे कन्वर्जन टैग है। विंडोज वगैरह भी 30 डेज रहने देते हैं, व्यू थ्रू कन्वर्जन 1 रहने देते हैं, और कन्वर्जन इंक्लूड करना है यस कर लेते हैं। एट्रीब्यूशन मॉडल लास्ट लिंक, इन पार्ट्स को अभी आप मत टच करिए, जो डिफॉल्ट है उसको वैसे रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर हो सकता है अगर आप सर्च कैंपेन चला रहे हैं और आपका जो ECPC है अगर आप चाहते हैं कि वो एक्टिव हो जाए डिफॉल्ट, एक चेकबॉक्स आता है ना बिड स्ट्रेटेजी में एनहेंस कॉस्ट पर क्लिक, जो कि आपकी बिड एडजस्टमेंट्स रेज और आपका जो है वो डिक्रीज करता है एज पर जिन कीवर्ड्स पे कन्वर्जन आ रहे हैं उनको ट्रैक करने के लिए, अगर चाहते हैं वो डिफॉल्ट कैंपेन्स में ऑन हो जाए तो उसको ऑन रखिए जो डिफॉल्ट आ रहा है। अगर आप अपनी बिड स्ट्रेटेजीज चला रहे हैं, जैसे मैनुअल चला रहे हैं या ROS चला रहे हैं या CPA चला रहे हैं, और आप चाहते हैं कि ये फीचर काम ना करे मेरा ECPC का, तो आप इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। मैं यूजली अभी क्लोज कर देता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि वो मेरा जो बिड स्ट्रैटेजी उसमें कोई चेंजेस हो, जो जैसे नॉर्मल मेरी कंडीशंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं वही चले, तो इसको आप ऑफ कर दीजिए। अदरवाइज रिकमेंडेड रहता है आप ऑन कर दीजिए, बट थोड़ा कॉस्टिंग में इंपैक्ट आ जाता है। अपने कैंपेन्स की बिड स्ट्रैटेजीज में उसके बाद देख लीजिएगा, कहीं मैनुअल में आपका ECPC
जो एनहेंस सीपीसी बिड स्ट्रेटजी है वो चेकबॉक्स पे डिफॉल्ट टिक ना होके एक्टिव हो गया हो, ठीक है। तो मैं इसे फिलहाल कर रहा हूँ ऑफ, ये मेरा अपने एंड से, आप अगर डिफॉल्ट ऑन रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गूगल भी रिकमेंड करता है आप इसे ऑन रख सकते हैं। मैं जो आपको जो बताने वाला हूँ फनल्स का, उस पे लाने के लिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, नहीं तो मैं और भी चीज़ें ब्रीफ कर सकता था, लेकिन आज का टॉपिक फनल का है तो फनल पे थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं। इंस्टॉल टैग योरसेल्फ, मैंने फर्स्ट ऑप्शन ले लिया। अब ये तो ग्लोबल साइट टैग है, रीमार्केटिंग टैग ये तो आपको पता है, तो सारे पेजेस पे लगाना है, तो कॉमन ग्लोबल साइट टैग रीमार्केटिंग टैग है। अब यहाँ पर आ रहा है पेज लोड, ये इवेंट स्निपेट है जिसका हम काम करेंगे अभी। तो ये टैग मैंने कॉपी करा, ये मैंने कोड कॉपी करा और ये मैंने दूंगा अपने जो मेरा डिजाइनर है उसको। तो ये मेरा जो टैग है फ्रेंड्स, अगर आपने नोटिस कराओ तो ये मैंने बनाया था कैटेगरी ऐड टू कार्ट का, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये टैग पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा स्टेप टू है, बिकॉज मैंने परचेज का ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब ये जो कोड आया है, जो स्निपिट आया है, जो मेरा इवेंट स्निपिट आया है, जिसका नाम मैंने ऐड टू कार्ट दिया था, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे ऐड टू कार्ट आ रहा है, जो नेम है वही आता है डिफॉल्ट यहाँ पे कन्वर्जन में, देखिए ऐड टू कार्ट राहुल कन्वर्जन जो मैंने नेम दिया था वो यहाँ पर आ रहा है। तो ये आप ऐड टू कार्ड वाले पेज पे बनाएगा, या ऐड टू कार्ड के बाद जो नेक्स्ट पेज आता है, कई लोग बोलेंगे कि हमारा ऐड टू कार्ड का पेज नहीं है, वो हमारा टैब है, उसके बाद सीधा डिफरेंट पेज आता है। तो आप ऐड टू कार्ड का अगर पेज है तो वहां पे ही लगा दीजिए ये वाला कोड, अदरवाइज ऐड टू कार्ड के बाद वाला जो पेज है उस पे लगा दीजिए, ताकि कंफर्म रहे कि ये ऐड टू कार्ड वाला पेज है उसके बाद आया है, ठीक है। तो अगर ऐड टू कार्ड का पेज है तो उस पे लगाना है, ऐड टू कार्ड का पेज अगर नहीं है तो उसके बाद जो भी पेज आता है नेक्स्ट प्रोसीड करने के बाद, उस पे आपको ऐड टू कार्ड का ये टैग लगाना है। अभी और भी ध्यान से समझिएगा, टैग्स सारे हर बार एक जैसे आते हैं, आप लोग बहुत क्वेरीज पुट अप करते हैं, तो वो भी मैं आपको इसमें क्लियर करूंगा। अब मैं इसको कर देता हूं नेक्स्ट, ये मेरा कंटिन्यू हो गया, कुछ मैं आपको डिफरेंस भी बता रहा हूं इंटरव्यू पॉइंट से। तो अभी मेरा एक टैग और बन गया, अब ये टैग मेरा बना ऐड टू कार्ड राहुल, देखिए वही आ रहा है कैटेगरी वेबसाइट सोर्स जो ऊपर परचेज का भी था, और परचेज मैंने रखा था कैटेगरी ड्रॉप डाउन में जो चूज करा था, यहाँ मेरा ऐड टू कार्ड था, लेकिन दोनों का कोड सेम होगा, अगर मैं दोनों का कोड दिखाऊंगा ना तो सेम होगा। बट चलिए अभी मेरा थर्ड प्रोसेस रह गया है, वो मैं बनाने वाला हूँ। तो इसको वैसे मैं रीनेम भी कर सकता था यूं करके, सेकंड पॉइंट कि मेरा सेकंड स्टेप है, इसको सेव कर लेता हूँ और राहुल परचेज को मैं वन कर लेता हूँ। मैं इसका आपको अभी कैंपेन ब्रीफिंग्स भी दिखाऊंगा फ्रेंड्स, आप इसको पूरा अच्छे से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए और बहुत ईजी रहेगा एनालिसिस करना। लोग एनालिटिक्स के जो फनल्स होते हैं उनमें बहुत मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, डेटा मॉनिटरिंग में, ट्रैकिंग्स में, एनालिसिस में। सबसे इजी एंड बेस्ट वे एडवर्ड्स का, कहीं डेटा में कोई क्लैश नहीं आएगा, एक्यूरेट डेटा आएगा। देखिए कैसे, फिर प्लस करना है आपने, वेबसाइट पे जाना है आपने, वेबसाइट में जाने के बाद आपने थर्ड ऑप्शन लेना है चेकआउट का, कितने लोग मेरे चेकआउट तक पहुँच गए, प्रोसेस कर गए। तो मैं इसको नेम देता हूँ अंडरस्कोर राहुल और ये मैं लेता हूँ थर्ड स्टेप। मैं आपको टैग भी दिखाऊंगा, सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है हर बार, आप नोटिस करिएगा सेम वही एवरी। और इसको मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू, जो मैंने प्रोसेस बताया उसको फॉलो कीजिए। इंस्टॉल योर टैग योरसेल्फ, ये अगेन फिर ग्लोबल साइट टैग देगा, रीमार्केटिंग का पहले ही लगा रखा है तो बार बार आएगा ऑप्शन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड इवेंट स्निपेट आएगा, पेज लोड, जो कौन से पेज को हम ट्रैक करना चाह रहे हैं, तो ये मेरा इवेंट स्निपेट आया। अब मैं आपको इसका यहाँ पे कंपैरिजन भी दिखाता हूँ, ये मेरा थर्ड पॉइंट है, इसका नाम मैंने लिखा था चेकआउट, ठीक है। अब इसको मैं टैग पेस्ट करता हूँ, तो फ्रेंड्स आप अगर दोनों टैग देखें तो ये ऑलमोस्ट मेरे दोनों टैग सेम है, देख रहे हैं आप, अगर आप ये नोटिस करें यहाँ से स्क्रिप्ट जो ओपन हुआ है, तो ये मेरा टैग ऑलमोस्ट सेम है। तो जितनी बार भी आप ट्रैकिंग टैग निकालते हैं उतनी बार आपका कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड सेम आएगा, चाहे आप थैंक यू पेज के लिए भी निकाल रहे हैं ना सर्विस प्रोवाइडर के लिए, आप कहते हैं मैं 5 times कन्वर्जन अगर क्रिएट कर दूं तो 5 बार अलग कोड आएगा, आप गलत कहते हैं, 5 times सेम कोड आएगा। ऐसे रीमार्केटिंग का भी होता है, जो ये ग्लोबल साइट टैग दे रहा है ये हर बार सेम आएगा, अब आप चेक कर लीजिएगा। तो आप बोलेंगे इसमें फर्क क्या हुआ, डिफरेंस क्या होता है, हर बार सेम आ रहा है तो गूगल कैसे डिफरेंशिएट करता है। अब आप ध्यान से समझिएगा, जो टैग मेरा आया है वो सब सेम है, लेकिन जो मेरा यहाँ पे एक नंबर आता है ना, यूनिक नंबर, ये डिफरेंट होता है, इसको हम बोलते हैं लेबल, अगर आप टेक्निकल टर्म्स में समझे एडवर्ड्स की, तो दिस वी कॉल्ड लेबल। तो ये जो कन्वर्जन लेबल होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये थोड़ा डिफरेंट कन्वर्जन है, टैग है, वो लेबल्स के थ्रू गूगल डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। तो ये वाला लेबल्स का सिर्फ डिफरेंस होता है, अदरवाइज सारा टैग सेम होता है। तो इसलिए अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जन निकालते हैं तो वो इफेक्टिव रहते हैं, अगर आप अलग अलग ट्रैकिंग्स कर रहे हैं तो, बिकॉज लेवल वाइज वो डिफरेंशिएट कर लेता है, इस पॉइंट का ध्यान रखना, ये मैंने आपको भी साथ साथ बता दिया है। तो अब मेरे 3 tag यहाँ पे बन गए हैं, मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है, डन करता हूँ। तो अभी वही है कि वो अभी रिकॉर्ड नहीं करेगा,
नो रिसेंट कन्वर्जन आएगा, अनवेरीफाइड आएगा, बिकॉज कोई टैग अभी मतलब जो लगाएंगे हम, एक तो लगा नहीं है पेज पे, उसके बाद कोई जब तक कन्वर्जन नहीं होगा उस पेज पे जाके, जब तक वो टैग लोड नहीं होगा तब तक वो डेटा नहीं देगा, तब तक वो रिकॉर्डिंग्स में नहीं आएगा। अब ये तीन बनाने का आप बोलेंगे बेनिफिट क्या हुआ फ्रेंड्स, है ना, ये क्वेश्चन आ रहा है कि अरे तीन बना दिए तो समझ में आ रहा है, कोई परचेज पेज तक पहुंचा तो वो परचेज में काउंट आ जाएगा, कोई चेकआउट तक पहुंचा तो चेकआउट में काउंट आ जाएगा, कोई ऐड टू कार्ट तक पहुंचा तो ऐड टू कार्ट में आ जाएगा। आप ही सोचेंगे ऐसे ही होगा, लेकिन इसका बेनिफिट अब क्या होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं इस कैंपेन के, जो मेरा कैंपेन मैंने बनाया हुआ था, अब इसमें ऑलरेडी कुछ 30 डेज का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ शॉर्ट में, तो अब इसमें ऑलरेडी कुछ कैंपेन्स में आप देख रहे होंगे मेरे क्लिक्स वगैरह आ रखे हैं, इंप्रेशन आ रखे हैं, CPC लगा हुआ है, कॉस्टिंग वगैरह लगी हुई है, कॉस्टिंग पे अभी नहीं जाते हैं, जस्ट मैं आपको एक आइडिया दिखा रहा था। अब जब ये फनल हम बना लेंगे उसके बाद हमने करना क्या है एनालिसिस के लिए, सबसे पहले तो इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, बिकॉज दो टैब्स में काम कर रहा हूँ, इसमें मैंने अभी कन्वर्जन्स बनाए तो वो मेरे अभी एक्टिवली लोड नहीं होंगे मेरे कैंपेन में जब तक कि मैं रिफ्रेश नहीं करता, बिकॉज वो टूल्स मैंने बनाए, तो एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको मैं वो चीज़ प्रॉपरली यहाँ पे दिखा सकूँ। तो अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, वो जो मेरे तीन कन्वर्जन्स हैं इनको मैं अपने कैंपेन पे एसोसिएट करना चाहूँगा, कैसे एसोसिएट करूँगा वेबसाइट के वो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। देखिए तो जो मेरा कैंपेन आएगा उसमें सेगमेंट्स में हम इनको एसोसिएट करते हैं और डेटा फिल्टर आउट करके मॉनिटर करते हैं, कैसे कर रहा हूँ मैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा अभी। तो ये ऑल इनेबल हो गया डिफॉल्ट, तो मैं इसको पहले यहाँ से स्टेटस ऑल बट रिमूव्ड कर देता हूँ, और ऑल बट रिमूव्ड में जो भी मेरे कैंपेन्स हैं उन पे जो भी क्लिक्स हुए हैं इनको मैं आपको फिल्टर आउट करना बताता हूँ। पहले इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ऑल बट रिमूव्ड स्टेटस, सेगमेंट में जाना है, यहाँ पे कन्वर्जन एक ऑप्शन आ रहा है, कन्वर्जन एक्शन में आपने जाना है, ठीक है। एक्शन में जाने के बाद आपके जो भी कन्वर्जन उस कैंपेन पे हुए हैं, जो भी कन्वर्जन हुए हैं, जैसे ये आ रहे हैं 13,000 कन्वर्जन, तो जिन जिन सोर्स से आपके वो कन्वर्जन हुए हैं वो आपको यहाँ पे बता देगा। तो यहाँ पे अगर मेरे जो कंपनी का पहले लगा हुआ था कन्वर्जन न्यू के नाम से जो कंपनी चला रही थी, तो मैक्सिमम जो मेरे कन्वर्जन हुए हैं 13,000 अराउंड, वो उनके कन्वर्जन टैग से हुए हैं, उसमें 7 जो कन्वर्जन आए हैं वो मेरे इंस्टॉल से आए, जो कि हमने इंस्टॉल का भी एक बना रखा। तो इस कैंपेन में आप बोलेंगे सर्च कैंपेन आइकन में इंस्टॉल वाला कैसे ऐड चला दिया आपने सर्च इंस्टॉल, तो फ्रेंड्स हम ऐप एक्सटेंशन हमने यूज़ करा था कि टेक्स्ट ऐड पे हम ऐप एक्सटेंशन का दे रहे थे ऐड, कि अगर कोई क्लिक करके डाउनलोड करना चाह रहा है तो वो कर सकता है। तो 7 इंस्टॉल भी मेरे मोबाइल से आप कह लीजिए जो इंस्टॉल आए हैं तो पार्ट ऑफ कन्वर्जन हुआ, तो वो मेरा यहाँ पे ऐड ऑन होके ये टोटल काउंट यहाँ पर आ गया 13,847, उसका डिफरेंशिएट है 13,840 फ्रॉम वेबसाइट और 7 इज फ्रॉम इंस्टॉल, तो टोटल 13,847 मेरे कन्वर्जन काउंट आए। तो अब इससे आप कैंपेन को ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अब जैसे ये वाला कैंपेन है इसमें इंस्टॉल से कोई भी कन्वर्जन नहीं आया, सारे कन्वर्जन मेरे न्यू वाले से हैं जो कि मैंने अपना सोर्स में जो मैंने वेबसाइट का बनाया था, तो ऐसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब होगा क्या, अब होगा ये जब मैं इन कैंपेन को सेगमेंट में जाके अपना कन्वर्जन करके एक्शन में लेता हूँ, एक्शन बेस्ट है, कैटेगरी वगैरह तो डिफरेंट हो गया, एक्शन बेस्ट है बिकॉज एक्शन में आपका नेम आता है, तो वो क्या करेगा आगे फर्दर फ्यूचर में जब मैं नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स चलाऊंगा, तो वो मुझे 1, 2 और 3 ये तीनों मेरे कन्वर्जन जैसे इनमें डेटा आना स्टार्ट होगा वो मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन में दिखा देगा। तो मैं ये चेक कर लूंगा कि इसमें मेरी फाइनल परचेज कितनी हुई है, ऐड टू कार्ट तक कितने लोग पहुंचे थे, चेकआउट तक कितने पहुंचे थे और फाइनल परचेज मेरी कितने लोगों ने करी, तो मैं थोड़ा डेटा उसका डिफरेंशिएट कर लूंगा। तो इससे मेरे हर एक कैंपेन का अगर आप नोटिस करें, शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ था राहुल सी, तो इस पे मेरे सारे कन्वर्जन इसी से आए, आप देख रहे हैं नोटिस कर रहे हैं, और इसमें बी पे मेरे सारे कन्वर्जन जो है वो इससे आए, तो ये मेरा डेटा डिफरेंशिएट में बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब आप लोग बोलेंगे कि चलो डेटा डिफरेंशिएट तो हमने देख लिया, तो सिर्फ डेटा देखने के लिए ये हेल्पफुल रहेगा कि इसका और कोई यूज भी फ्यूचर में हम कर सकते हैं जो हमने अभी कन्वर्जन टैग्स बनाए। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम क्या कर सकते हैं वो मैं इसके बाद वाले लेक्चर में आपको भी शेयर करूंगा, बिकॉज मैं डेली बेसिस पर आपके लिए लेक्चर बना रहा हूँ, तो सीरीज वाइज अभी बना रहा हूँ, तो इसका भी मैं एक लेक्चर कल शूट करके मतलब बन तो चुका है ऑलरेडी, मैंने बना चुका है, लेकिन उसका लेक्चर मैं एडिटिंग करके कल अपडेट करूंगा, आज मैं आपके लिए लेक्चर अभी अपडेट कर रहा हूँ। तो ये डेटा हम फर्दर रीमार्केटिंग में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, परचेज का तो अगर नहीं भी करते क्योंकि इन लोगों ने खरीद लिया, थैंक यू पेज लास्ट पेज चलो ये तो कंसिडर कर लिया, लेकिन चेकआउट और ऐड टू कार्ट
मैं इस डेटा को री मार्केटिंग में यूटिलाइज कर सकता हूँ जो भी इसका काउंट होगा। तो ये मैं आपके साथ अगले लेक्चर में शेयर करने वाला हूँ। तो फिलहाल पहले आप ये पार्ट अच्छे से समझ लीजिए फनल बनाने के बाद, कल के लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, कि कैसे इसको रीमार्केटिंग में हम यूटिलाइज करेंगे और टारगेटिंग्स में यूटिलाइज करेंगे डेटा को, वो मैं आपको इसके बाद वाले लेक्चर में कल आपसे शेयर करूंगा। तो ये मेरा फनल के ऊपर एक बहुत बेसिक लेक्चर था, और मेन डिफरेंशिएट कंपनी जो पुटअप करेगी वो ये करेगी कि आपको कैंपेन में इसका बेनिफिट कैसे होगा। तो कैंपेन वाइज आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किस कैंपेन में किस किस आपके जो सोर्स है, किस किस कैटेगरी से कितना काउंट आया है, परचेज कितना, ऐड टू कार्ट कितना, चेकआउट कितना, आप समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़, मेरे चैनल पे राहुल बिस्ट, अगर आप चैनल पे जाके वीडियोस पे देखते हैं तो मैंने अभी लास्ट वीक कुछ वीडियोस डाली थी, अगर कई लोगों ने मिस कर दिए, पीपीसी का ही कंटेंट मैं शेयर करता हूँ, तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में मैंने ई कॉमर्स की शॉपिंग साइट्स की प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना रखी है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, यूनिक कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने शेयर करे, तो अगर एक बार गो थ्रू करना चाहें प्लेलिस्ट में तो आप देख सकते हैं। बाकी मैंने नॉर्मल वीडियोज़ तो बनाई हैं, अगर आप मेन टाइम फ्री हैं तो गो थ्रू कर लीजिए। डेली बेसिस पर ट्राई करूँगा आपके लिए एक लेक्चर, और जो भी लेक्चर लाता हूँ आपके लिए यूनिक ही लाऊंगा। उसके अपार्ट कोई डाउट क्वेरी है, अगर आपको कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो आजकल मैं भी फ्री हूँ, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट है ppcexpertclasses.com, rahulppcexpert@gmail मेरी ईमेल आईडी है। अगर आप मेल भी करना चाहें तो मेल कर सकते हैं, अदरवाइज साइट पर जाके आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। कोई डाउट क्वेरी है तो पूछ लीजिए, मैं कोई आपसे चार्जेस वगैरह नहीं लूँगा। बाकी जो मेरे पेड ट्रेनीज हैं उनके लिए भी मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ, तो वो भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें। तो उनके लिए भी मैंने एनालिटिक्स, ई कॉमर्स ट्रैकिंग का पूरा एक वीडियो बनाया है, तो अगर अब मेरा आज इवनिंग तक हो जाएगा कंप्लीट उसका एडिटिंग वगैरह, तो वो भी मैं आपके साथ, जो मेरे पेट्रनीज हैं उनके साथ शेयर कर दूंगा। पब्लिक सब्सक्राइबर्स के लिए भी मैं कंटेंट डेली बेसिस पे ट्राई कर रहा हूँ कि आप घर से जितना कवर कर सकते हैं आप करें और घर पे ही रहें। तो फ्रेंड्स, ये मैं अपने एंड से ट्राई कर रहा हूँ, होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कल के लेक्चर में आपको इस डेटा को फर्दर कैसे यूटिलाइज करना है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, थैंक यू।